चाँद आंखें खोलो अपनी, चाँद इधर देखो। भोलेनाथ का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। किसका काम है ये घिनौना काम किसका है? अब तक तो हमें समझ जाना चाहिए इस घर में जो भी गलत होता है कौन करता है, आखिर आलिक जी के अलावा कौन हो सकता है? नील, नील प्लीज आप रिलैक्स कीजिए। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था तो वीकनेस की वजह से मुझे चक्कर आ गया। दुआ और श्लोक मेरे लिए एक स्लाइस एप्पल लाए थे। नील आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। चाह तुम गाड़ी की डिक्की में थी, चक्कर आना समझ में आता है मुझे, तुम गाड़ी की डिक्की में कैसे पहुंची? अरे वो बेवकूफ डेकोरेटर है ना, ये सब उसकी गलती है। उस बेवकूफ को लगा कि एक्स्ट्रा ड्रेप्स पड़े हुए, इसलिए उसने उठा के वो गाड़ी के बूट में डाल दिया। लेकिन मैं उसकी इतनी पिटाई की ना कि ऐसी गलती वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करेगा। पर भाभी आप तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे इसका तो चलता ही रहता है, ये हफ्ते में एक दो बार बेहोश नहीं पड़ेगी तो सबको पता कैसे चलेगा कि घर में कितना काम करती है ये। आज सारे कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ेंगे। सिर्फ पहनने वाले ही कपड़े नहीं गोदाम्बरी, मंडप के कपड़े भी काफी मैले हो गए हैं, ये सब भी तुम्हें ही धोने हैं। जी नवेली देखो चाहत प्लीज तुम आज पूरा दिन सही से खाना खाओगी, तुम अगर बीमार पड़ गए तो डांस की प्रैक्टिस कौन करवाएगा? मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती हूँ। तुम किचन में कदम नहीं रखोगी समझी तुम? किसी के पास 20 रुपए हैं? ये लो। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मुझे इतने केयरिंग हस्बैंड जो मिले हैं। नीलकंठ की बारी, अभी जो नीलकंठ ने कहा है उस पे ध्यान देना। श्लोक तुम्हारा पाठ अधूरा है ना, आओ पूरा करते, आओ दुआ। 100 रुपए तो यूज करती कम से कम। सिफाल जिया मुझे आप पे इतना ही प्यार आ रहा है तो इतने से ही नजर उतरेगी। चलिए मुझे खाना खिलाइए, आज तो मैं अपने हाथों से खाना भी नहीं खाने वाली, मैं बहुत थक गई हूँ। चलिए खाना खिलाइए मुझे। अच्छा जी। नहीं क्या कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। देखिए 1 1 2 2 ट्विस्ट नीचे ऊपर। नील तो ये अपनी कमर तो हिलाइए ना, टूट नहीं जाएंगे। अरे नील भाई आपको थोड़ा बेंड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, थोड़ी लचक लाइए। ये देखिए ये देखिए ये उसके बाद ये। अरे चाहत भाभी एक काम कीजिए, आप आइए मेरे साथ डांस कीजिए, ये देखेंगे समझ जाएंगे। मुझे ना गार्डन पर से सूखे कपड़े उठाने, तो एक काम कीजिए ना आप इन्हें डांस सिखाइए, तब तक मैं कपड़े उठा के ले आती हूँ। मुझे बहुत काम है, नील आप प्लीज डांस सीखेगा। अरे चार सुनो ना नवेली कैसे था बताओ। मैं बताती हूँ। ठीक है चलो 1 2 3 टेरेस पर ऊपर वाले कमरे में तो कोई नहीं, यानी चाहत वहाँ अकेली होगी। 2 3 4 अरे वही तो कर रहा हूँ ना तब से मैं। हाँ अरे नील भाई बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है ऑस्ट्रिया से, मुझे उठाना ही पड़ेगा, जा मैं आता हूँ बस। हाँ ओके 1 2 3 स्टार्ट।
जिस चीज पर जैन की उंगली लग जाए वो उसी की हो जाती है चाहत। आज तो तुम्हें मैं यहां से ले जाकर रहूंगा। तुमसे कहा था ना मैंने, जहां भी जाओगी मुझे पाओगी। आप अपनी डांस प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ पर आया, जाइए प्रैक्टिस कीजिए। बहाना डांस से बचने के लिए नहीं है, बहाना तुम्हारे पास रहने के लिए है। वैसे मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। अच्छा, और डांस प्रैक्टिस कौन करेगा? मेरा नाना। अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा नाना जिंदा है? नील आप जाइए। पहले इधर आओ। श्रीकांत तुम? अरे भाई आप यहाँ? वो एक्चुअली अरे ऑस्ट्रिया से फोन आने वाला था, बहुत अर्जेंट, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा नेटवर्क। मैं सब जानती हूँ, आप सब जितने भी बॉयज हैं ना इस घर में, सबके सब डांस की प्रैक्टिस से बचना चाह रहे हैं, इसीलिए बहाना बनाकर कोई कहीं जा रहा है। चलिए अभी के अभी दोनों डांस की प्रैक्टिस के लिए जाइए। अरे वो चादर ये गिर जाता, मतलब ऐसे हवा में उड़ के मैंने पकड़ लिया, गंदा हो जाता, ये लीजिए। चाहत, चाहत ये आदमी कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये दिख कुछ और रहा है और है कुछ और। अरे नील आप ना, नहीं दिन पे दिन बहुत ज्यादा शक्की बनते जा रहे हैं, एकदम डिटेक्टिव करमचंद जैसे। मैं एक काम करती हूँ, अब से सैलेड में आपको गाजर नहीं दूंगी तो आप ठीक रहेंगे, आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लग जाता है। नील भैजी, याल्ला नील अभी बहुत सारा काम खाने पे। अरे डांस प्रैक्टिस के बीच में से कहाँ गायब हो गए थे आप दोनों? कब से ढूंढ रही हूँ मैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने अपने स्टेप्स करके दिखाइए। अरे अभी इस वक्त साथ में म्यूजिक प्ले करती हूँ। ओके मैं करती हूँ। अब पता चलेगा कि आपने कितना डांस की प्रैक्टिस की। हाँ देख लेना, म्यूजिक ऑन होने दो। हेलो, क्या मतलब म्यूजिक किसने बन गया? आपको स्टेप्स आते भी हैं? नील मैंने क्या कहा था, इट्स 1 2 3 4 ट्विस्ट, और आप क्लैप कर रहे हैं। या अल्लाह मुझे ये सब पार्टनर मिलना था जिसको डांस करना नहीं आता। कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम अपसेट क्यों हो रही हो? मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप ये करमचंद बन के क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि आपको डांस नहीं करना है ना, ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आप डांस से अपना पीछा छुड़ा सके। नील मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है। अरे ये तो, अरे चांद मेरी बात सुनो। नील भैया आपको थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए ना डांस प्रैक्टिस पे, अब नाराज कर दिया ना आपने उसे, इतने गुस्से में गई है, पूरा दिन देखना मूड खराब रहेगा। हाँ वो उसका मूड बहुत खराब हो गया है, उसका मूड ठीक करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए ना। बाबा
मेरे पास एक आइडिया है, आप माँ के लिए गिटार पे एक गाना गाइए, देखना माँ का मूड ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक्चुअली आइडिया बहुत अच्छा है ये, डन। मैं हूँ चाहत की मोहब्बत, मैं हूँ, और चाहत के कानों तक पहुंचने वाला हर एक नगमा सिर्फ मेरा हो सकता है, सिर्फ मेरा। किसका काम हो सकता है? नील भाई, वो इंटरनेशनल कुरियर वाले का नंबर है क्या आपके पास? ये कैसे टूट गया? पता नहीं किसका काम है ये। वहां नीचे चाहत के लिए मुझे गाना गाना था गिटार पर, और ये नए स्ट्रिंग्स भी नहीं है मेरे पास। पता नहीं ये कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं होगा? मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो, एक मिनट। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये लीजिए, हो गया। एक घंटे में आपके पास ब्रांड न्यू गिटार होगा, वो भी इलेक्ट्रिक गिटार, न्यू सॉन्ग विद न्यू ट्विस्ट। इसकी क्या जरूरत है? कैसी बात कर रहे हो भाई? हूं ना मैं आपका, हूं ना। नील भाई जी। आया, कोई बुला रहा आपको? थैंक्स। हाँ हाँ हाँ, वो मैं बस मैसेज ही कर रहा हूँ उसको। पहाड़ों का एक दिल फेक आशिक, मेरी परी के लिए नगमा गाने जा रहा था। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने गिटार उठाया और गाना गाने के लिए जैसे ही उसने इलेक्ट्रिक गिटार के तार छुआ, चाहत, I'm sorry चाहत। बिजली का झटका लगने से ना तुम्हारे शौहर की मौत हो गई। तुम ये बस समझना कि तुम बेवा हो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि तुम जैन की चाहत हो। सिर्फ मेरी। तो आप जा रहे हैं, कल इतनी मार खाई आपने, वो कम नहीं था, जो आज फिर ध्यानियों के घर उनके फंक्शन में जा रहे हैं। गजाला जी, क्यों चिंता करती हैं? हर दिन कुत्ते का दिन थोड़ी ना होता है। आज तो छू तक नहीं पाएंगे वो लोग मुझे, लेकिन मेरा वहां पर जाना जरूरी है, ताकि मैं पता लगा पाऊं कि वो लड़का कौन है जिसकी नजर चाहत पर है, कौन है जिसने चाहत के साथ बदतमीजी की। वो लड़का जो भी है, हमारे काम जरूर आ सकता है, और आप तो जानते ही हैं, नीलकंठ और चाहत का दुश्मन यानी हमारा दोस्त। कितनी रौनक है तुम्हारे चेहरे पर, तुमने एंट्री मारी ना, दो तीन बल्ब और जल गए। क्या फायदा, अगर अच्छा डांस पार्टनर मिलता तो रौनक के साथ साथ चेहरे पर खुशी भी होती।
बाबा आप नए गिटार पे गाना गाइए ना, देखना माँ का मूड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आ गए सब लोग? हा? हाँ सब लोग बैठ जा, बैठ जा। तो अब संगीत संध्या शुरू करें? हाँ। ये आपको पता है, एक कुछ साल पहले तक जब मैं नाचती थी तो लोग कहते थे कि जयप्रदा की याद आ जाती है मुझे देख के। क्या जयप्रदा? जयप्रदा, लेकिन अब इस उम्र में मैं चलो फिर दूल्हे और दुल्हन की परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। तो मनोरंजन शुरू किया जाए। वो जो कोई भी है, जिसकी भी नजर चाहत पर टिकी है, उसका पता तो अब मैं लगा के रहूंगा। काम वाली को देने हैं जमुना की बारी। आओ आओ बैठो। हाँ, दूल्हे और दुल्हन की रोमांचक परफॉर्मेंस के बाद अब एक मिनट अम्मा, अगला परफॉर्मेंस तो सरप्राइज है। सरप्राइज? इतना ये, पहले किसी को बताना मत कि बाबा माँ के लिए गिटार पे गाना गाने वाले हैं। हे भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ की तरह तू भी भोला ही है, आजा यहाँ आजा। वो तू पंडित। चल नीलकंठ आजा फिर। हा? हाँ। चाहिए नील भैजी, अब आपकी बारी है, सब वेट कर रहे हैं आपका। मेरा मेरा गिटार था ना यहाँ पर, गिटार कहाँ गया? मेरा गिटार कहाँ है? अरे क्या नहीं भैजी, आज के दिन भी अब गाना नहीं गाएंगे तो चाहत और भी नाराज हो जाएगी। मैं कुछ करता हूँ। मूड खराब नहीं होगा। मैं नील से थोड़ी अपसेट थी क्योंकि उन्होंने डांस की प्रैक्टिसेस को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब मैंने आपकी आंखों में देखा और आपके दिल के अंदर झांकने की कोशिश की तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ कि मुझे आपके जैसे शौहर मिले नील। इसीलिए आज मैं आप सबके सामने नील के लिए एक गाना गाऊंगी। अब बीवी को गिटार सिखाया है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। पावर का वोल्टेज तो मैं बढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब चाहत जैसे ही वायर को कनेक्ट करेगी नील की जगह बिजली का झटका चाहत को लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।